आपको शायद ये नाम याद होगा, लेट डॉक्टर ली वेन लियांग। ये एक डॉक्टर थे जो वुहान के सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करते थे, जिन्होंने दिसंबर 2019 को अपने मेडिकल स्टाफ और सोशल मीडिया में एक नए वायरस के आउटब्रेक के बारे में लोगों को अलर्ट किया था। जब इस डॉक्टर ने देखा कि कुछ नए केसेस इनके हॉस्पिटल में रेगुलरली आने लगे थे, जिनमें ज़्यादातर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको ये लगा कि शायद ये बीमारी SARS है, जो 2003 में वर्ल्ड में एक ग्लोबल एपिडेमिक बन गई थी। ये सारे केसेस वुहान के सी फूड मार्केट हुनान से आए हुए थे। इन सारे केसेस को जल्द ही उनके हॉस्पिटल में एक सेपरेट क्वारंटाइन जोन में रख दिया गया। शुरुआत में इन केसेस को एक डॉक्टर की टीम हैंडल कर रही थी, जिनमें टोटल 8 डॉक्टर्स थे। दिसंबर 2019 को डॉक्टर ली की वार्निंग दी गई मैसेज सोशल मीडिया में चाइना में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसकी वजह से उस मैसेज के लिखने के 4 दिन बाद ही उन्हें पब्लिक सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ चाइना ने बुलाया। उसके बाद उनको फोर्सफुली एक अपॉलोजी लेटर में साइन करने को कहा गया, जिसमें ये लिखा गया था कि उनके फेक न्यूज़ की वजह से चाइना में रहने वाले लोगों को डिस्टरबेंस हो रही थी और ये एक इलीगल बात थी। उनको इस अपॉलोजी लेटर में यह कहकर साइन करवाया गया था कि उन्होंने जो भी पोस्ट किया वो सब फेक था और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और आगे जाकर ऐसा नहीं करेंगे। अब कुछ दिनों बाद वो 8 डॉक्टर की टीम जो नए पेशेंट्स को ट्रीट कर रही थी क्वारंटाइन जोन में, उनमें डॉक्टर ली भी शामिल थे। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर ली भी इस बीमारी से पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उस हॉस्पिटल के सारे मेडिकल स्टाफ ने इस बीमारी को और अच्छी तरह स्टडी किया और उन्हें पता चला कि इस बीमारी के सिम्टम्स SARS से बहुत ही अलग हैं। कुछ ही दिनों में इस बीमारी ने बहुत लोगों को अफेक्ट कर दिया था। अब लोगों की काउंटिंग हॉस्पिटल में बढ़ती जा रही थी। शायद चाइना इस बात को अच्छी तरह हैंडल कर पाती अगर उन्होंने डॉक्टर ली की वार्निंग को सीरियसली लिया होता। दिसंबर के मिड सेक्शन में जो लोग चाइना में रहते थे, उन लोगों को इस बारे में पता चल गया था और बहुत लोग चाइना से बाहर निकलने लग गए थे, क्योंकि उन्हें SARS के बारे में पहले से ही पता था। और ये जो नया वायरस जिसके बारे में डॉक्टर ली ने सबको वार्न किया था, इसका अब तक कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिला था, जिस वजह से लोग चाइना से बाहर जाने लगे। जब लोग चाइना से बाहर जा रहे थे इस वक्त दिसंबर में, ना ही किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उनकी हेल्थ मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही थी। इसका मतलब हर एक पर्सन जो चाइना से बाहर जा रहा था, पोटेंशियली अपने साथ उस नए वायरस को कैरी करते हुए अपने कंट्री में लेकर आ रहा था जाने अनजाने में। इसी तरह बहुत लोगों ने इस वायरस को चाइना से बाहर पहुंचने में मदद कर दी। अब जब लोगों की डेथ काउंट बढ़ने लगी, तो चाइना गवर्नमेंट ने एक सेपरेट क्वारंटाइन हॉस्पिटल बनाया और साथ ही जिन पेशेंट्स की डेथ हो चुकी थी उन्हें डिस्पोज करने के लिए एक सेपरेट एरिया भी बना दिया गया था। 12 जनवरी 2020 WHO ने कंफर्म किया कि उन्हें वुहान के इंसिडेंट के बारे में बताया गया था और इस वायरस को उन्होंने नोवल कोरोना वायरस के नाम से डिक्लेयर किया। साथ ही हर कंट्री को ये भी समझाया कि इस वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके सिम्टम्स को ध्यान से स्टडी करें। 31 दिसंबर 2019 WHO ने इस नए वायरस को एक ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। 21 जनवरी इंडिया के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जो लोग बाहर से आ रहे थे उनकी मेडिकल स्कैनिंग होने लग गई, ये पता करने के लिए कि शायद उनमें से कोई वायरस अपने साथ कैरी तो नहीं कर रहा। आगे कुछ ही दिनों में सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में थर्मल स्कैनिंग्स शुरू कर दी गई थी। साल का नया दौर चल रहा था। जनवरी 30, 2020 इंडिया में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया स्टेट ऑफ केरला में। इसमें जो पेशेंट पॉजिटिव पाया गया था ये वुहान मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक MBBS स्टूडेंट था। कुछ ही दिनों में ये काउंट ऑफ पेशेंट नंबर 1 से 3 तक पहुंच गई थी और ऑलमोस्ट सारे केसेस वुहान से रिटर्न हुए स्टूडेंट्स के ही थे और सारे लोग केरला से थे। अब ये बात सोचने वाली थी कि सारे मेडिकल स्टूडेंट वुहान से जब इंडिया रिटर्न आए तो क्या उन्हें पता नहीं था कि उनमें से कोई पोटेंशियली वायरस कैरी कर रहा था। ये शायद उन्हें पता चल सकता था अगर उन्हें चाइना में ही मेडिकली टेस्टेड करने के बाद इंडिया में आने की परमिशन मिली होती। ये केसेस 3 फरवरी तक रजिस्टर्ड हो गए और हम लोगों को न्यूज़ में इसके बारे में पता चल गया था। 3 मार्च 2020 अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे न्यू वीज़ास को सस्पेंड कर दिया
और जो वीज़ास पहले से अप्रूव थे उन्हें भी टेम्पररली बैन कर दिया गया। 4 मार्च 2020, 22 न्यू कोरोना पॉजिटिव केसेस देखने को आए, जिनमें एक इटालियन ग्रुप था जहां 14 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। 5 मार्च 2020, दिल्ली एनसीआर ने कई प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही कई और स्टेट्स में भी स्कूल्स, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, पब्लिक स्विमिंग पूल, जिम और ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती थी उनको बंद कर दिया। अब जो भी केस कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा था इंडिया में, उन केसेस को अगर समझे तो उनमें ज़्यादातर लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री इंटरनेशनल थी, या फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल की गई पैसेंजर्स के साथ लोकली ट्रैवल किया था। 12 मार्च 2020, एक 76 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग जो रिसेंटली सऊदी अरेबिया से रिटर्न होकर इंडिया में आए थे, वो सबसे पहले पेशेंट थे जिनकी डेथ हुई कोरोना वायरस से इंडिया में। 13 मार्च 2020, सारे नॉर्मल वीज़ास को तो सस्पेंड कर दिया गया था, कुछ डिप्लोमेटिक वीज़ा और ऑफिशियल वीज़ास अभी भी एक्टिव थे, और साथ ही जो इंडियन सिटीजन्स इंडिया के बाहर थे उनको एयरलिफ्ट करने के लिए उनके वीज़ास फ्री में बना दिए गए थे। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करके इंडिया वापस आ रहा था उन्हें 14 डेज के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता था और उन्हें मॉनिटर किया जाता था ये देखने के लिए कि शायद उनमें से कोई कोरोना वायरस कैरी तो नहीं कर रहा। 17 मार्च 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एडवाइजरी में ये कहा कि सारे सिटीजन्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। कुछ स्टेट्स में फेस मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया। सेंट्रल आर्म पुलिस ने अपना बैटल मोड ऑन कर दिया। कोई भी अननेसेसरी लीव कैंसिल कर दी जा रही थी। मार्च 19, 2020, एक 30 मिनट के टीवी टेलीकास्ट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सिटीजन्स को जनता कर्फ्यू ऑब्जर्व करने के लिए कहा। 22 मार्च 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 82 डिस्ट्रिक्ट्स को कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया। 23 मार्च 2020, दिल्ली को अब कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया गया। 80 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, इन सब के बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया था। 24 मार्च 2020, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि कम्प्लीट नेशन लॉकडाउन 21 डेज के लिए इम्पोज कर दिया गया। 27 मार्च 2020, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हंड्रेड्स ऑफ लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, नर्स की एक सेपरेट टीम बनाई जो कोरोना वायरस और उसके पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। साथ ही 200 न्यू एम्बुलेंस भी इस फैसिलिटी के लिए शुरू कर दी गई। इसी दिन देश के एक अलग हिस्सों में 4000 लोगों को क्वारंटाइन जोन में रखा गया। टेस्ट के बाद पता चला कि उनमें से काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव थे। 31 मार्च 2020, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तबलीगी जमात को अटेंड करने वाले 14,378 लोग, जहां 900 लोग देश के अलग अलग स्टेट्स और एरिया से बिलोंग करते थे और 960 लोग 40 डिफरेंट फॉरेन रीजन्स से इंडिया में आकर इस फेस्टिवल को अटेंड कर रहे थे टिल 14th of April। 3 अप्रैल 2020, ये अभी भी लॉकडाउन का फेज वन चल रहा था 21 डेज का, जहां पीएम सिटीजन्स को कैंडल या फिर फ्लैश लाइट ऑन करके सेलिब्रेट करने को कहा उन लोगों के लिए जो कोरोना और कोरोना डिजीज से लड़ने के लिए हमारी मदद कर रहे थे। 4 अप्रैल 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेम्पररली बैन कर देंगे ताकि ये बस डोमेस्टिक यूज़ के लिए अवेलेबल रहे। इस डिक्लेरेशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को दोबारा कंसीडर करने को कहा, क्योंकि ये मेडिसिन कोविड-19 से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। 12 अप्रैल 2020, अब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ जगहों पर प्लाज्मा थेरेपी की स्टडी की जा रही थी, जिसमें कुछ केसेस पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रहे थे। अब शुरू होता है लॉकडाउन 2। 14 अप्रैल 2020, प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने अपने अनाउंसमेंट में लॉकडाउन 1 को एक्सटेंड करते हुए कहा, सबको मास्क पहनना कंपलसरी है, सैनिटाइजर का यूज करना उनके लिए अच्छा होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से वो कोरोना वायरस से खुद को बचा सकते हैं। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का भी लॉन्च इसी दिन हुआ, जो लोगों को इन्फेक्टेड जोन के बारे में बताती थी। 20 अप्रैल 2020, ऐसे कुछ जगह जहाँ पर अभी भी कोरोना पॉजिटिव केसेस बहुत ही कम थे
वहाँ पे कुछ जगहों पे रिलैक्सेशन दी गई ताकि ट्रांसपोर्टेशन और नए गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल की जा सके। 21 अप्रैल 2020, आज के दिन अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया 1 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा। 25 अप्रैल 2020, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ कोरोना पॉजिटिव केसेस कम थे वहाँ स्मॉल रिटेल शॉप्स वेंडर्स इनको अपनी शॉप्स खोलने की परमिशन दी गई पर कम कैपेसिटी में। 29 अप्रैल 2020, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने गाइडलाइन न्यू रिलीज की जहाँ पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स को अभी अलाउ कर दिया गया था। इसके कुछ ही दिन बाद लॉकडाउन का थर्ड फेज शुरू हुआ। 1 मई 2020, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुराने लॉकडाउन को एक्सटेंड करते हुए ये कहा कि आने वाले लॉकडाउन 3 में और रिलैक्सेशन दी जाएगी ताकि लोग काम कर सकें। कंट्री को अब तक 3 जोन में बांट दिया गया था, ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज जोन। इस लॉकडाउन के दौरान कई स्टेट्स और कई डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस थी और कुछ जगहों पे कुछ रिलैक्सेशन भी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एग्री किया कि वो माइग्रेंट्स की मदद के लिए कुछ नई स्कीम्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर लॉन्च करेंगी। 12 मई 2020, आज के अनाउंसमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 20 ट्रिलियन रुपीस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए रिलीज़ की, जिसमें गरीबों और अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट मिलेगी। साथ ही हाउसिंग सेक्टर्स वन नेशन वन राशन कार्ड को इंट्रोड्यूस किया, जिससे जिन लोगों को मुसीबत हो रही थी लॉकडाउन के दौरान उनको आगे जाकर ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। 17 मई 2020, अब तक लॉकडाउन 1 को एक्सटेंड करके लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 2 को एक्सटेंड करके 3 तक पहुंच गए थे। लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर दे दी कि वो अपनी तरफ से जिन जिन डिस्ट्रिक्ट एरियाज रीजन्स में COVID-19 केसेस कम है उन जगहों को अपनी तरीके से मैनेज और हैंडल करें। अब कई जोन्स में आना जाना अलाउड कर दिया गया था और लोग एक दूसरे से मिलने जा सकते थे। कई ई कॉमर्स सर्विसेज और कैब सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई। लार्ज गैदरिंग अब भी फेज 4 में अलाउड नहीं है। ये अब भी कहा जाता है कि फेज 4 के गाइडलाइंस को हम लोग अच्छी तरह से फॉलो करें। भले ही लॉकडाउन ओवर हो चुका है ऑफिशियली और हमें अलाउ कर दिया गया है कि हम घर से बाहर जा सकते हैं, पर हमें ये बात समझनी होगी कि कोरोना वायरस डिजीज से लड़ने के लिए अब तक कोई इलाज नहीं बना है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को अपने तरफ से खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ेगी। हम बाहर जाएं तो मास्क पहन के ही जाएं और जब भी घर लौटे तो खुद को सैनिटाइज कर लें। सोशल डिस्टेंसिंग अपनी तरफ से फॉलो करें। भले ही गवर्नमेंट ने कहा कि अब रिलैक्सेशन है, अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आपको ये मेजर्स खुद अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए खुद ही लेने पड़ेंगे। आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर इस एपिसोड में आपको कोरोना वायरस के पूरे टाइमलाइन में कुछ चीज़ें नहीं जानने को मिली तो काइंडली अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर मुझसे कोई टॉपिक या फिर कोई पॉइंट छूट गया तो काइंडली कमेंट बॉक्स में उसे बताइए। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे और चीज़ों के बारे में जो इंडिया में करंटली हो रही है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।